हेलो साथियों, एग्जाम एक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, नवोदय विद्यालय 2022 का एग्जाम 30 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 30 तारीख का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को यह समस्या है कि सर हमारा कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, लेकिन यह उनको पता नहीं है कि आपका कितने नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा। इसीलिए हर लोगों से ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी ने कहा कि मेरा 75 नंबर है, किसी ने 78, किसी ने 80, किसी ने 85, किसी ने 95 और किसी ने 93 नंबर भी कहा। दोस्त, मैं आपको सबसे पहले बता दूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर है क्या करें, इतने नंबर है तो हम क्या करें, क्वेश्चन है उस बच्चे का, सबका सिलेक्शन होगा, आखिर में कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके साथ साथ हम जानने वाले हैं, जाने अब आपको क्या करना है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलती है, एक एक बात को हम ध्यान में रखते हुए बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों को, अब आपको कुछ नहीं करना है। जिसका भी देखिए, इस बार सेशन में 6 क्वेश्चन हार्ड आए थे, ठीक है, हार्ड थे, यानी 6 × 1.25 करेंगे तो 25×6 150 और 7.5 नंबर, यानी कि आपका 92.5 मार्क्स आना चाहिए था। अगर जिसका भी आएगा, इससे प्लस वाले का सिलेक्शन 100% श्योर है। ओके, तो 92.5 प्लस जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन अधिक चांस है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि 75 और 80 वाले क्या करेंगे। तो देखिए दोस्त, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके विद्यालय जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। जहां पे 500 से 1000 स्टूडेंट फॉर्म भरे थे वहां पे 75 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, और जहां पे 500 से 1000 थोड़ा ऊपर 1200-1300 भरेंगे वहां पे 80 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जहां पे भी 4000 प्लस फॉर्म पड़े हैं वहां का कट ऑफ आपका 85 से कहीं पे भी कम नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान देंगे कि 85 प्लस आप लाए हैं और 4000 प्लस फॉर्म है, 4000 से 5000 के बीच में, सॉरी 4000 प्लस कहेंगे तो 10000 भी हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके 5000 प्लस अब जितने भी हो ऊपर जहां तक भी जा सकते हैं तो वहां के कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, और जहां पे 4000 से कम स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया है वहां पे 80 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ये मैं आपको 100% सियोरिटी के साथ बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका भी 90 प्लस मार्क्स है वो अपना सभी डॉक्यूमेंट बना ले, और डॉक्यूमेंट का जो वीडियो बनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अवश्य बताइए कि कहां से बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं आपकी 100% कट ऑफ बता सकूं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर 75 नंबर है, 78 नंबर है, 80 नंबर है, 83 नंबर है, 85 नंबर है, 90 नंबर है। यार, ये नंबर किसी काम के नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन यू आर अ चैंपियन, बिकॉज इतना नंबर गेन करना हलवा नहीं होता है मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग इतना नंबर अच्छे से गेन किए, कोई बात नहीं है, आप चैंपियन है, ठीक है। लेकिन 90 प्लस वाले जितने लोग हैं वो अपना डॉक्यूमेंट भैया तैयार कर लें, और 90 प्लस और 80 और 90 के बीच वाले आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में चांस बनता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट जिसे हम सेकंड लिस्ट कहते हैं, तो वो आपका सितंबर से अक्टूबर के मंथ में आता है, तो आप लोग का सिलेक्शन उस समय भी हो सकता है 80 से 90 मार्क्स के बीच में, ठीक है। तो आप लोग मेरी बातों को इत्मीनान से समझ चुके होंगे, अगर समझ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एक बात भी आपको लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।